Good afternoon, everyone, and most welcome to India's largest learning platform, Unacademy and Wi-Fi Study UPSC. And I'm Abhishek Jain, faculty for UPSC Civil Services Examination. So, current affairs ka ye edition, jahan par hum daily discuss karte hain, jitni bhi national, international aur state level ki news aapko dekhne ko milegi, chahe PIB par ho, chahe The Hindu, chahe The Indian Express, jitni bhi official websites par sari cheeze. रिलीज होती है उसका प्रीलिम्स मेंस और टेल इंटरव्यू तक होलिस्टिक डिस्कशन यहां पर करते हैं. तो सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि आज का डिस्कशन हम स्टार्ट कर सके. एंड आई थिंक सभी लोग एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी के पर्सपेक्टिव में वही है कि हम स्वस्थ रहें ताकि हमारी पूरी एनर्जी के साथ हम हमारी प्रिपरेशन को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें. सो मोस्ट वेलकम. एंड आई थिंक सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं. मीनाक्षी, राधिका, निशा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड आफ्टरनून. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरी क्लासेस का टाइम टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं. सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स 2020 रिवीजन, यहाँ पर बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल रही है. दिन में 3 से 4 बजे जो अभी आप सेशन देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स का हमारा सेशन होता है. रात को 8:45 to 9:45 PM पॉलिटिका हम रिविजन करते हैं थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सीएम वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका था, सीओएम वाला पार्ट और साथ में बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर वाला पार्ट. इन तीनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, तो सब लोग बेसिकली कनेक्ट हो सकते हैं. इन सभी की अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल अभिषेक जैन सर पर मिलती रहेगी. मेरा रेफरल कोड है AKJ10, जिसकी सहायता से बेसिकली आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलती रहेगी. सो इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के माध्यम से हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू रूबरू होते हैं. सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्लस पर अगर आप जाते हैं तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. वहां पर मेरा रेफरल कोड AKJ10 आप अप्लाई कर सकते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा क्लासेस का. इन सभी का बेनिफिट्स ले सकते हैं. 6 महीने से भी कम का समय बचा है. 27th of June को आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो बेसिकली पूरी तरह से पूरी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन में लग जाइए. काफी सारे बैचेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं. तो आई थिंक सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो इन सब बैचेस के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज माय रेफरल कोड, जिसको आप यूटिलाइज यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, तो मीनाक्षी, राधिका, निशा, ठीक है, राधिका, आशिका, ठीक है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम आपकी अदरवाइज चलता रहेगा. ठीक है, तो पहली न्यूज आप लोगों के सामने है. ठीक है, सोलापुर पॉमग्रेंट की अपन बात कर रहे हैं. मैंने आपको GITEC की पहले भी काफी बार चर्चा की थी. ठीक है, तो कई बार GITEC से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो भी बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स होती है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जो काफी फेमस होती है. तो आप देखोगे पॉमग्रेंट को बोलते हैं हिंदी में अनार. ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे महाराष्ट्र का GITEC, आपका जो सोलापुर का पॉमग्रेंट है उसको महाराष्ट्र में GITEC मिला हुआ है. तो आप देखोगे महाराष्ट्र स्टेट को पॉमग्रेंट की बास्केट के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर वाला जो रीजन है वो पॉमग्रेंट हब आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सोलापुर का जो पॉमग्रेंट होता है वो फेमस है उसके कलर के लिए, उसकी स्मूथनेस के लिए, ठीक है, उसके राउंड शेप के लिए, उसके टेस्ट के लिए. ठीक है, गणेश और भगवा अलग अलग टाइप की वेराइटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है. ठीक है, और बेसिकली ये जो आप सिंबल देख पा रहे हो ये बेसिकली GI का सिंबल है. उसका टैगलाइन लिखा हुआ है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवेल्युएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. ये आपको GI का साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, सोलापुर के पॉमग्रेंट को GITEC मिला हुआ है. ठीक है, जो ये अनार की वैरायटी है, अलग अलग टाइप की वैरायटी आप देखोगे, गणेश, भगवा, ये सब सोलापुर के पॉमग्रेंट की वैरायटीज है. अनार की वहां पर वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी, जिसके कलर के कारण, इसके ग्लोसी के कारण, इसके आउटर रिन के कारण और बेसिकली इसके टेस्ट के कारण काफी फेमस है. यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी. ओके, तो राधिका गुड आफ्टरनून, आस्था गुड आफ्टरनून. तो फर्स्ट न्यूज थी आपकी. सेकंड न्यूज आपकी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर है, जहां पर आपको ट्विटर पर देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, इसमें आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए जा रहे हैं. अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री सेहत स्कीम के बारे में,
जिसको मैंने आपको बताया था, दिस इज रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है या जो पीएम जन आरोग्य योजना है, जिसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर के सारे निवासियों को हमने क्या कवरेज दिया था, बेसिकली जो मेडिकल इंश्योरेंस है 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर का जो कवरेज था वो जम्मू कश्मीर की हर फैमिली को एक्सटेंड कर दिया गया था पर फैमिली पर ईयर। अब आप देखोगे और भी काफी सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप देख सकते हो मोदी गवर्नमेंट अप्रूव्स न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो पहली चीज, सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है वो सारी स्कीम जहां पर 100% बजट अलोकेट किया जाता है आपकी केंद्र सरकार के द्वारा। सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% बजट केंद्र सरकार अलोकेट करेगी, और जहां भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आएगा, स्पॉन्सर्ड का मतलब कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देगी बाकी हिस्सा आपका राज्य सरकार देगी। ये 60-40 का रेशियो भी हो सकता है, 75-25 का भी हो सकता है, 90-10 का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब पूरा का पूरा बजट आपका केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, इससे बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के जो यूटी है आपके क्या क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लगभग 4.5 लाख जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ में बेसिकली यहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट होगा तो एग्रीकल्चर को लेकर, हॉर्टिकल्चर को लेकर, मतलब जितनी भी कृषि और कृषि की सहायक गतिविधियां हैं, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर हो जो बागवानी से रिलेटेड है, चाहे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो जो आपके बेसिकली पशुपालन से रिलेटेड है, चाहे आपका फिशरीज सेक्टर हो जो आपका मत्स्य पालन से रिलेटेड है, तो जितने भी बेसिकली एग्रीकल्चर की सहायक गतिविधियां हैं उसके माध्यम से यहां पर रोजगार के अंदर बूस्ट आपको देखने को मिलेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। मतलब सिंपल सी चीज है कि वहां के लोगों को डायरेक्ट या तो प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार का सृजन करवाया जाए, किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से या एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो पहली चीज आपको ये देखने को मिलेगी ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप देखोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ठीक है, अभी हम सेलिब्रेट कर रहे थे गुरु नानक साहब की 550वां जो प्रकाश पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ आंकड़े यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए कि गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर क्या क्या किया है। ठीक है, जो गुरु नानक साहब का 550वां प्रकाश पर्व है उसको लेकर गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या क्या किया है। तो पहले आप देखोगे सुल्तानपुर लोधी वाली जो साइट है जहां पर गुरु नानक साहब ने अपनी लाइफ का काफी ज्यादा पार्ट वहां पर स्पेंड किया था, उसको हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, वहां के रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। दूसरी चीज, बेसिकली जो जो भी प्लेस गुरु नानक साहब से एसोसिएटेड है वहां के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, जो वीक के अंदर 5 डेज आपको देखने को मिलेगी। हमारे वित्त मंत्रालय ने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन रिलीज किए हैं उनकी एनिवर्सरी को मार्क, उनके इस ओकेजन को मार्क करने के लिए। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा गुरु नानक वाणी, ठीक है, गुरु नानक वाणी रिलीज की गई है अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। आप देखोगे गुरु नानक वाणी आपकी उर्दू के अंदर, उड़िया के अंदर, मराठी के अंदर, हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर तो ऑलरेडी रिलीज की जा चुकी है, और अलग 15 लैंग्वेजेस के अंदर, जो इसके अलावा आपकी 15 इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें भी बेसिकली कार्य काफी जल्दी हो जाएगा पूरा। तो इसको सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप देखोगे उर्दू, उड़िया, मराठी, हिंदी, गुजराती, इसमें तो हो चुकी है, अदर में भी बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई थिंक सब लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, मुझे अब विजिबल आप सब लोगों के कमेंट भी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज थी जो बेसिकली गवर्नमेंट ने रिलीज की है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं इसी चीज को लेकर। आप देखोगे जो लंगर है उसको भी टैक्स फ्री किया था, जीएसटी वाला जो पार्ट था। एक दूसरा करतारपुर साहिब कॉरिडोर वाला, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर जिसका जो उद्घाटन नवंबर 2019 के अंदर, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, और बेसिकली इसको लेकर काफी सारी चीजें, जो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर था, तो आप देख सकते हो करतारपुर साहिब जो बेसिकली सिखों का एक होलिस्ट पिलग्रिम प्लेस माना जाता है, एक बेसिकली प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा स्थान माना जाता है जहां पर काफी लंबा टाइम गुरु नानक साहब ने अपना व्यतीत किया। ठीक है,
लेकिन बेसिकली भारत और पाकिस्तान के मसले की वजह से वहां पर बेसिकली जो हमारे सिख पिलग्रिम्स है वहां पर नहीं जा पाते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अलोकेट किए थे 120 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से बेसिकली क्या डेवलप किया गया था, करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर था वो बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए रावी रिवर पर ही हमने बनाया था, ठीक है, जिसके माध्यम से डेरा बाबा नानक साहब का जो गुरुद्वारा था पंजाब में उसको कनेक्ट किया जा सकता था उससे, ठीक है। और लगभग इसकी कैपेसिटी है 15,000 पिलग्रिम्स यहाँ से पर डे जा सकते हैं। तो 2019 के अंदर इसका लोकार्पण हुआ था, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो ये जस्ट सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ने रिलीज करी है, तो इनका यूज आप कहाँ पर करोगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सब लोगों को कहाँ पर यूज करना है, पहली चीज जब भी आप लिखोगे, क्योंकि गुरु नानक साहब पर क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो गुरु नानक साहब पर जब आप लिखोगे तो आपको ये सारे के सारे रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस कौन कौन से देने हैं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का रेफरेंस देना है। इसको आप इंडिया पाकिस्तान के रेफरेंस में भी यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज किया जा सकता है कि बेसिकली ये दोनों कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल टाइज को बनाने में काफी हेल्प करेगा। ये दोनों कंट्रीज के बायलेटरल रिलेशंस को लेकर, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ के लोग वहां जा पाएंगे, वहां के लोग यहाँ आ पाएंगे। तो जब बेसिकली लोगों का आवागमन होगा तो बेसिकली एक सॉफ्ट पावर जनरेट होती है, एक अच्छे रिलेशंस क्रिएट होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। तो बेसिकली भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी बेहतर था। दूसरा, सिखों के जो ये साइट थी, पिलग्रिम साइट है, तो बेसिकली यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको लेकर भी एक प्रमोशन मिलेगा, और साथ में बेसिकली इतने टाइम से बेसिकली ये वाला जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम था ये रुका पड़ा था, इसको भी बेसिकली यहाँ पर बल मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो मैंने जो यहाँ पर बताया था 550वां प्रकाश पर्व को लेकर, तो बेसिकली यहाँ पर जैसे गुरु नानक वाणी से लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने जितनी भी बेसिकली उनकी फेमस सेइंग थी या उनकी बुक्स थी, उनका कलेक्शन यहाँ पर किया है और उसको प्रेजेंट किया है सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि सब लोग बेसिकली उनके बारे में जान सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सेकेंड चीज जिस पर अपन पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका रेल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है उसको लेकर भी बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। इसको लेकर एक हैशटैग आपको देखने को मिलेगा ट्विटर पर, प्रगति का रेल कॉरिडोर, ठीक है, प्रगति का रेल कॉरिडोर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको ट्विटर पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बेसिकली अलग अलग जो फ्रेट कॉरिडोर है जिसके माध्यम से हम रेलवे को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है उनको टेक्नो फ्रेंडली बना रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो आप देखोगे जो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, WDFC का मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसके माध्यम से वेस्टर्न पोर्ट्स को कनेक्टिविटी दी जा रही है, स्पेशली गुजरात के अंदर आप देखोगे कांडला पोर्ट हो गया, पीपावाव पोर्ट हो गया, मुंद्रा हो गया, दाहेज हो गया। तो इसके माध्यम से बेसिकली ये जो कॉरिडोर्स है ये पोर्ट्स को कनेक्टिविटी देंगे, तो बेसिकली भारतमाला और सागरमाला दोनों प्रोजेक्ट एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सागरमाला पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, भारतमाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेसिकली कनेक्टिविटी का काम करते हैं। तो बेसिकली पूरे की पूरी कंट्री में चाहे इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट, उनको काफी ईजी तरीके से अपन कर सकते हैं। और ध्यान रखना सब जगह इलेक्ट्रिक लाइन्स का यूज किया जा रहा है ताकि स्पीड को हायर किया जा सके। आपने देखा होगा रेलवे की जो मोस्ट ऑफ द लाइन्स है जो पहले कोयले पर चलती थी, उनको सबको इलेक्ट्रिक लाइन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, उससे स्पीड काफी आपकी हाई हो जाएगी, आपका जो लोड कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, वो मैंने बात की थी आप लोगों से सारी चीजें। तो ये वही सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली यस, राधिका शर्मा ने बिल्कुल सही बोला था, ये कॉरिडोर पाकिस्तान से कनेक्ट करके आंसर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, पाकिस्तान से कनेक्ट करके हम आंसर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बेसिकली बायलेटरल रिलेशंस के लिए पीपल टू पीपल टाइज काफी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट अपन देते ही देते हैं हमेशा कि किस प्रकार से आपकी कल्चरल पावर हो गई, आपकी बेसिकली सॉफ्ट पावर हो गई, पीपल टू पीपल टाइज हो गई, इसमें उसको ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। इसमें बेसिकली अलग अलग लाइंस का भी एग्जांपल दिया हुआ है जो अभी लेटेस्ट में आपको देखने को मिला, जैसे कि आप देखोगे
अजमेर वाला जो पार्ट है, किशनगढ़ वाला जो पार्ट है जहां पर मार्बल इंडस्ट्री काफी फेमस है, उसको भी बेसिकली इस बेल्ट से जोड़ा गया है। जो आपकी दिल्ली वाली, भिवाड़ी वाली, ठीक है, रेवाड़ी वाली जो बेल्ट है, मानेसर वाली, इसको भी इससे कनेक्ट किया गया है, ताकि बेसिकली जितनी भी हमारी मार्बल इंडस्ट्री है, ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, उसको भी बेसिकली भारत के अलग अलग भागों में इजिली पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ से जो पॉइंट्स मिलेंगे इनको बेसिकली ये एग्जाम में आपका इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिकली जो डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर है, किस प्रकार से इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन स्टोन का काम कर सकते हैं, या किस प्रकार से भारत के आर्थिक विकास को मजबूती दे सकते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे अलग अलग टाइप से। यहाँ पर आप चाहो तो किसान रेल का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, किसान रेल भी एक तरह से क्या है, वो भी अपन यही कर रहे हैं कि जहां पर अपन किसानों के प्रोडक्ट को बिना खराब हुए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अगर जितना जल्दी किसानों का प्रोडक्ट, जितने भी पेरिशेबल आइटम्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जितना जल्दी आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे उतनी अच्छी प्राइस वहां पर मिल पाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल देने हैं आपके एग्जाम में। किसान रेल को लेकर एग्जाम्पल आने चाहिए, नए नए जो फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, चाहे वेस्टर्न के अंदर हो, चाहे ईस्टर्न के अंदर हो, उनके एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, किस प्रकार से कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे, भारतमाला और सागरमाला से जरूर लिंक करना है। ठीक है, भारतमाला से लिंक करोगे और सागरमाला से लिंक करोगे। सागरमाला मतलब पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, भारतमाला मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ये सारे के सारे लिंकेज कीजिएगा अपने आंसर्स के अंदर, आपका आंसर काफी बेहतर यहां से लगेगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये सारी सारी चीजें इसी को लेकर इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। ये स्लाइड्स आपको सारी मिल जाएगी, मैंने जनरल सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, और बेसिकली अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इस हैशटैग को यूज कर सकते हैं, प्रगति का रेल कॉरिडोर। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं या फ्रेट कॉरिडोर को यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने लगातार बताई और लगातार न्यूज में है, ये हर दिन बेसिकली किसी न किसी मिनिस्ट्री की न्यूज पर ये आपको देखने को मिलेगी, वन नेशन वन गैस ग्रिड और गैस बेस्ड इकोनॉमी। ये दो टर्म्स आप लिख लेंगे अपने नोट्स के अंदर, ये आपको यूज करने ही करने हैं। वन नेशन वन गैस ग्रिड और दूसरा आपका गैस बेस्ड इकोनॉमी, मतलब आपकी गैस आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको हर दिन कभी न्यूज़पेपर में, कभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर, कभी पीआईबी पर लगातार काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है, गैस बेस्ड इकोनॉमी और वन नेशन वन गैस ग्रिड। अभी हमने बात की थी कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की, उसी को लेकर यहाँ पर और भी डेटा रिलीज किया गया। कुछ तो गवर्नमेंट अपनी वाहवाही भी करती है। बेसिकली गवर्नमेंट ने पहले स्टेटमेंट क्या बोला है कि बेसिकली 2014 से पहले 27 साल वाला जो टाइम पीरियड था, मतलब 2014 से पहले की अगर अपन बात करें तो पिछले 27 सालों के अंदर बस 15,000 किलोमीटर का बना था, और हम नेक्स्ट 5 से 6 सालों के अंदर 16,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बना रहे हैं। ये पॉलिटिकल ठीक है, इसमें अपन को नहीं पढ़ना, बट हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन को देखना है कि बेसिकली गवर्नमेंट के टारगेट क्या क्या है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, आज नोट्स के फॉर्म में यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट है जितने भी भारत का एनर्जी बास्केट है उसमें नेचुरल गैस का शेयर 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक ले जाना है, 15% तक ले जाने का टारगेट है। कल मैंने आपको ईयर भी बताया था कि कब तक ले जाना है, तो आप कमेंट करके मुझे ईयर बता सकते हैं। सेकंड चीज आप देखोगे, मैंने आपको इथेनॉल का एग्जांपल दिया था, वो भी क्लियरली लिखा हुआ है कि इथेनॉल जो बेसिकली आपको राइस से, सुगर केन से देखने को मिलेगा, अभी प्रेजेंटली जो इथेनॉल को आप पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हो उसका शेयर अगले आने वाले 10 सालों में 5% से 20% तक ले जाना है। मतलब आप देखोगे अगर 100 लीटर अभी आप पेट्रोल है तो उसमें 20 लीटर आप क्या मिक्स करोगे, इथेनॉल मिक्स करोगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम होगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी घटेगा, हमारी जो बेसिकली इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस है किस पर, आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज पर, वो भी रिड्यूस होगी। तो ये सारे के सारे फायदे आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो। तो इथेनॉल को लेकर एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, नेचुरल गैस के शेयर को लेकर एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। ये दोनों डेटा अपने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर यूज कीजिएगा, जीएस में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों डेटा यूज कीजिएगा और ये दोनों टर्म्स तो यूज करने ही करने हैं, आपके आंसर्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस, बेसिकली सब लोगों ने बिल्कुल सही बोला है, 2030 तक हमें ये करना है, बिल्कुल सही है, 2030 तक हमें बढ़ा के करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, सीएनजी जिसको आप क्या बोलते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस,
ट्रांसपोर्टेशन में सीएनजी यूज करते हैं, क्लीन फ्यूल माना जाता है। पीएनजी आपकी जो पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई जो आपके घरों तक आती है, एलपीजी सिलेंडर जो आप यूज करते हो, तो चाहे डोमेस्टिक सप्लाई हो चाहे आपकी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हो, ये दोनों की दोनों हमें किस पर करनी है, गैस बेस्ड इकोनॉमी पर ट्रांसफर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केरोसिन फ्री बनाना है। और काफी सारी यूटी और काफी सारे स्टेट्स केरोसिन फ्री भी हो चुके हैं, क्योंकि केरोसिन के माध्यम से काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन आपको देखने को मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो केरोसिन से दूर भागना है और सीएनजी पीएनजी और एलपीजी की तरफ हमें मूवमेंट करना है, ठीक है। तो केरोसिन फ्री बनाने की तरफ भी हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला पहला डेटा आपका पॉलिटिकल है, ठीक है, इसको यूज भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। उसके बाद बेसिकली इसके फायदे भी दिखाए गए हैं कि बेसिकली इस पाइपलाइन को एक और इम्पोर्टेंट चीज से जोड़ा गया है। आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जितना ज्यादा आप क्लीन एनर्जी यूज करोगे आपकी जो लाइफ है उतनी ही बेहतर बनेगी, ठीक है। तो ईज ऑफ लिविंग स्पेशली हमारा जो पुअर पीपल है और मिडिल क्लास है, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। अदरवाइज अगर आप देखोगे जनरली तो एक तरफ तो गवर्नमेंट बात कर रही है कि ये सब इजीली अवेलेबल करवाया जाएगा, दूसरी तरफ लगातार आपके गैस सिलेंडर्स के दाम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट गवर्नमेंट की भी यहाँ पर ड्यूलिटी है, देखते हैं लार्जर रन में गवर्नमेंट इसको कैसे प्रमोट करती है। अगर जनरल अपन बात करें तो पुअर और मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल, सारी की सारी चीजें अफोर्डेबल होनी चाहिए, कम से कम दाम बढ़े तो नहीं, कम से कम अभी आप देखोगे जनरली, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था कि जो गैस सिलेंडर्स के दाम अभी थोड़े दिन पहले तो गवर्नमेंट उनको फ्री में बांट रही थी, ठीक है, या बेसिकली नॉर्मल प्राइसेस में दे रही थी, अभी 100 रुपए पर सिलेंडर के आसपास बेसिकली इंक्रीज देखा गया, ठीक है, कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं था, 100 रुपए पर सिलेंडर, बीच में सब्सिडी खत्म कर दी गई, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट कहती कुछ है करती कुछ है, बट हाँ हमें भी लिखना यही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट आंकड़ों का ही हमें यूज करना पड़ेगा, एज अ सिविल सर्वेंट हमारी ये मजबूरी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं बट जो चीजें हैं हमें वही प्रेजेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो आप देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि बेसिकली ये जो सारा का सारा प्रोजेक्ट होगा पुअर क्लास मिडिल क्लास और एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली सब स्टेट्स में हेल्प करेगा। डेफिनेटली अगर इसको सही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ये बेसिकली आपको बेटर फ्यूचर दे सकती है, क्योंकि क्लीन एनर्जी है आपकी हेल्थ डिजीजेस को कम कर सकती है। पहले जितना ज्यादा कार्बन हम एब्जॉर्ब करेंगे, जितना ज्यादा कार्बन एमिशन होगा उतना ज्यादा हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर हम शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली हमें फायदा मिलेगा, बट देखते हैं लार्जर रन में किस प्रकार से प्रोस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से भी जोड़ सकते हो कि किस तरह से आपकी क्वालिटी लाइफ, ठीक है, जो आपकी क्वालिटी लाइफ है, जो आपकी जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार देखने को मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो डिक्लाइन होंगे, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है, लोगों को अफोर्डेबल एक्सेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी पुअर क्लास है और मिडिल क्लास है उनको अफोर्डेबल एक्सेस यहाँ पर मिले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यस, एक और न्यूज यहाँ पर है, ब्लू इकोनॉमी वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आप देखोगे जितने भी आपके कोस्टल स्टेट्स है, चाहे आपका कर्नाटका हो, केरला हो, या आपके अदर सदर्न स्टेट्स हो, ठीक है, तो वहां पर कोस्टल रीजन के अंदर इन सारी चीजों को बेसिकली, जैसे कि आपका फिशरीज सेक्टर हो गया, ठीक है, आपका जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग हब हो गया, आपके सी वीड फार्मिंग हो गई, इनको काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बोला था, इसको एग्जाम्पल भी दिया था मैंने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के माध्यम से भी, जहां पर मैरीटाइम इकोनॉमी, इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, मैरीटाइम इकोनॉमी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, समुद्री अर्थव्यवस्था, या बेसिकली नीली अर्थव्यवस्था भी आप बोल सकते हो, जिसको भी स्पेशली जो इंडिया का कोस्टल पार्ट है, ठीक है, तटीय इलाका है, तटीय राज्य है, वहां पर इन सारी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे मत्स्य वाला सेक्टर हो, ठीक है, चाहे आपका सी फूड, ठीक है, जो समुद्री फूड होता है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग को लेकर हो, ठीक है, चाहे बेसिकली सी वीड को लेकर हो, तो इनको लेकर काफी ज्यादा प्रमोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन चलते हैं द हिंदू की कुछ न्यूज पर। हाँ, एक और चीज थी जो टैक्स फ्री लंगर, ठीक है, ये भी सिखों से रिलेटेड ही न्यूज थी आपकी, ठीक है, कि काफी सारी जो गुरुद्वारा कमेटीज थी, सिख के डेलीगेशन थे, उन्होंने काफी बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि लगभग 1 करोड़ लोगों को डेली लंगर के माध्यम से खाना यहाँ पर खिलाया जाता है, तो इस पर जो जीएसटी था उसको बेसिकली हटा दिया गया था। इसके अलावा और भी काफी सारी योजना थी, जैसे सेवा भोज योजना चलाई जा रही थी, उन आइटम्स पर से जीएसटी गवर्नमेंट ने क्या किया था, वेव आउट किया था या हटा दिया था, ठीक है। लगभग 1 करोड़ लोगों को इससे डेली बेनिफिट मिलता है,
और बेसिकली भारत में हंगर को खत्म करने के लिए ये वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट माध्यम माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर भी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं द हिंदू पर, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। ये तो जो अपनी न्यूज थी अभी तक जो अपन ने देखी, ये बेसिकली आपको अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिलेगी। यहां तक सब लोगों को क्लियर है सारी चीजें, एक बार कमेंट करके सब लोग बता देंगे। ओके, उसके बाद अपन चलेंगे अपने द हिंदू वाले न्यूज़पेपर पर। अब वापस से मैंने आपको बोला था पहले भी कि बेसिकली जितने भी अभी लॉ बनाए जा रहे हैं लव जिहाद पर या इंटरफेथ मैरिज पर, चाहे यूपी का है चाहे उत्तराखंड का है, जितने भी है उनको बेसिकली एक साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट पहले इन सब के जो कानून बनाए गए हैं उनको स्टडी करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं स्टे स्टे किसी पर कुछ भी नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्टडी करेगा। तो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे एग्रीड टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज इनेक्टेड बाय स्टेट सच एज यूपी उत्तराखंड दैट क्रिमिनलाइज रिलीजियस कन्वर्जन वाया मैरिज एंड मैंडेट प्रायर ऑफिशियल क्लियरेंस बिफोर मैरिंग इन टू अनादर फेथ। देखो यहां पर सिंपल सी चीज बोली गई है, सुप्रीम कोर्ट जितने भी राज्यों के द्वारा, ठीक है, इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर कानून बनाए गए हैं जिन्होंने बेसिकली रिलीजियस कन्वर्जन को क्रिमिनलाइज किया है, उनके जितने भी कानून है उनकी संवैधानिकता की जांच करेगा, ठीक है। और बेसिकली उसके बाद यहां पर वो अपना निर्णय देगा। तो बेसिकली बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद बोबड़े साहब, वो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी यहां पर कानून है तो उसके बारे में छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूं, ठीक है। जैसे यूपी का एग्जांपल दिया गया है कि यूपी का जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था 2020 के अंदर, उसमें किन किन चीजों पर बात की गई थी। आप देखो कि पहली चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा सब लोग, कि अगर कोई इंटरफेथ कन्वर्जन होता है, अगर आप करना चाहते हो तो पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। देखो द इंडिविजुअल हु वांट्स टू कन्वर्ट, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर बेसिकली कन्वर्जन चाहता है तो सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो बेसिकली पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, एक सबमिशन देना पड़ेगा 60 दिन पहले या कम से कम एक महीने पहले एडवांस के अंदर, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस इंक्वायरी कराएगा कि जो ये रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है ये किसी प्रेशर में तो नहीं है, ये बेसिकली लव जिहाद वाला पार्ट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अगर कन्वर्जन हो जाता है आपका, ठीक है, उस पर्सन को एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी डेज के अंदर, ठीक है, और बेसिकली इसको पब्लिक किया जाएगा कि किसी को कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह तो इस चीज को लेकर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्टेड पर्सन वापस डीएम के पास जाएगा, अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर उन्होंने दिया था, ठीक है, अगर किसी को रिलीजियस कन्वर्जन करना है तो। अगर यहां पर क्लियरली बोला था, अगर बेसिकली कोई सी भी मैरिज यूपी के अंदर इस इंटेंशन से होती है कि बेसिकली उसका सोल पर्पस रिलीजियस कन्वर्जन होगा, तो उस मैरिज को क्या कर देंगे, वो नल एंड वॉइड कर देंगे। क्लियरली लिखा हुआ है, मैरिज डन फॉर द सोल पर्पस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन आर लायबल टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। अगर कोई सी भी जो शादी हुई है उसका सोल पर्पस अगर उन्हें लगता है कि रिलीजियस कन्वर्जन है, तो उसको बेसिकली अमान्य करार दे दिया जाएगा। और बेसिकली अगर कोई इसका वॉयलेशन करता है तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, ठीक है। और साथ में इसके तहत आने वाले सभी ऑफेंसेस नॉन बेलियबल होंगे। नॉन बेलियबल का मतलब उसमें बेसिकली आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, वो बेसिकली जब तक मामला पूरा नहीं होगा आपको बेल नहीं दी जाएगी। तो ये जो कानून बनाए गए हैं इनको लेकर बेसिकली इनकी संवैधानिकता की जांच हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि काफी जल्दी इनको सुप्रीम कोर्ट देखना नल एंड वॉइड कर देगा, क्योंकि बेसिकली काफी सारी चैलेंजेस यहां पर है, काफी सारी चीजों का वॉयलेशन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो आपका आर्टिकल 21 आप देख सकते हो, ठीक है, आपका आर्टिकल 19 आप देख सकते हो, आर्टिकल 25 आपका वॉयलेशन में जाएगा। ये तो क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल 21 जहां पर बेसिकली राइट टू मैरी के बारे में बात की थी, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम को कर्टेल कर देता है आपको, आर्टिकल 25 क्योंकि मुझे मेरे अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मानने की, ठीक है, उसकी जो चीजों को फॉलो करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, जब तक, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आज मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप, मैं जैनिज्म को फॉलो करता हूं, आप लोग भी बेसिकली जैनिज्म को फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी अच्छाई आप लोगों को बता सकता हूं, बट मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप लोग चाहो तो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म की मान्यताओं को फॉलो कर सकते हो, उसका अनुसरण करते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बट आपका जबरन अगर रिलीजियस कन्वर्जन होता है तो वो वहां पर गलत ठहराया जाता है, ठीक है। यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं,
ठीक है, डेफिनेटली आप आंसर राइटिंग में सारी की सारी चीजें, आज का जो मैक्सिमम पार्ट है ठीक है, उसमें आंसर राइटिंग को लेकर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पर्टिकुलरली आपके जीएस के आंसर राइटिंग को काफी इंप्रूव करेगी। ठीक है, जब आप रेफरेंस देते हो तो आपको बेसिकली अपनी आंसर राइटिंग के अंदर, स्पेशली जो पॉलिटी वाले आंसर होते हैं ठीक है, वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के रेफरेंस आपको देने ही पड़ेंगे। वो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि उससे बेस्ट रेफरेंस आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, और बेसिकली इसको आपको जोड़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन से। किसी भी चीज को बिना कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़े आंसर मत लिखना। जनरल आंसर लिखोगे तो जनरल मार्क्स मिलेंगे, यदि आप उसको रिलेट करोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर आर्टिकल्स से, ठीक है, पर्टिकुलर उनकी जो बेसिकली प्रैक्टिसेस है, जो भी उन आर्टिकल्स में बोली गई है या सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग जो बोला है उसको रिलेट करोगे, और पर्टिकुलर आपके जो करंट के इवेंट्स होंगे, करंट के एग्जाम्पल्स होंगे, उनको अपन आंसर्स में यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा किया जाता है कि इंटरफेथ रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर जो अभी डिबेट बनी हुई है उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, कि आप उससे सहमत हैं, ठीक है, जिस बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट अभी लॉ बना रही है उसके आप फेवर में हैं, तो आपको बेसिकली अपने विचार नहीं रखने, क्योंकि आप उस लेवल के एक्सपर्ट नहीं हो। आपको यूज करना होगा सुप्रीम कोर्ट के वेरियस रेफरेंसेस और बेसिकली संविधान के वेरियस रेफरेंसेस, देन फिर आपको आंसर वहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें यही है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पर सुनवाई स्टार्ट कर दी है, पहले सुप्रीम कोर्ट स्टडी करेगा, देन बेसिकली फाइनली इसमें जो भी डिसीजन आना होगा वो डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और जो मुझे देखने को मिली न्यूज आज के हिंदू के आर्टिकल में थी, अभी आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं बाबा के नाम से, भगवानों के नाम से प्रचार किया जाता है, मतलब उसको सुपर नेचुरल दिखाया जाता है कि बेसिकली पर्टिकुलर ये यंत्र है, इसकी सुपर नेचुरल पावर है, आपके घर में लगा दीजिए चमत्कार हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है, उन्होंने इन सारे के सारे इस प्रकार के टीवी पर दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट को लीगल बताया है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली डिसीजन दिया था कि जो भी इस टाइप के एड दिखाए जा रहे हैं, जो क्लेम किया जा रहा है, जैसे कि एक इन्होंने एग्जांपल भी दिया, ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक एडवर्टीजमेंट था जिसमें बेसिकली क्लेम किया जा रहा था कि पर्टिकुलर हनुमान चालीसा यंत्र के माध्यम से, जो किसी बाबा के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, इससे आपको सिद्धि हो जाएगी, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, 4900 5000 रुपए का वो यंत्र बेचा जा रहा था, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड इसमें, पता नहीं, ठीक है, जो भी सारी चीजें थी। तो इस टाइप के जो एडवर्टीजमेंट है जो बेसिकली आपको रिलीजियस डोगमा में लेकर जाते हैं या बेसिकली आपको अंधविश्वास की तरफ लेकर जाएंगे, और भगवान का नाम यूज करके ये सारी चीजें दिखाई जाएगी, इनको इलीगल करार दिया है आपकी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने। ठीक है, तो ये एक छोटा सा था जहां पर बेसिकली अब इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आज हमारे सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, वो किसी भी चीज को जब बेसिकली, क्योंकि आज लोग किसको फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अगर आज कोई अमिताभ बच्चन किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अब बेसिकली उस एडवर्टीजमेंट का उसने कभी उस प्रोडक्ट का यूज तो कभी किया नहीं होगा। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट की जब सर्टेन क्वालिटीज वो बताते हैं तो वहां पर एथिकल क्वेश्चन मार्क्स खड़े किए जाते हैं, और कई बार यूपीएससी ने एथिक्स में ये ऐसी केस स्टडी पूछी है, एथिक्स में ऐसी केस स्टडी पूछी है कि बेसिकली इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जो सेलिब्रिटीज के द्वारा जो एंडोर्समेंट किया जाता है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और बेसिकली वो जब इतने उनकी क्वालिटी को देखा जाता है, किसी भी चीज को देखा जाता है, वो बेसिकली पूरी तरह से आउटडेटेड आप देखने को मिल सकते हैं, तो उनकी एथिकल चीजों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाता है कि वो उन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स क्यों करते हैं। तो इसी टाइप का ये एग्जांपल है जहां पर बेसिकली ये सारा का सारा देखने को मिलेगा, सुपर नेचुरल पावर्स को या बेसिकली भगवान के माध्यम से ये करते हैं। तो आप देख सकते हो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग द नेम ऑफ गॉड एंड क्लेमिंग दैट, यदि आप क्लेम करते हो कि इसके अंदर सुपर नेचुरल क्वालिटीज है, वो इलीगल है और महाराष्ट्र का एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसके तहत बेसिकली वो पनिशेबल है, उसके तहत उसको वहां पर पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच का वर्डिक्ट था जो द हिंदू के अंदर था आज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ब्लैक मैजिक एक्ट भी बना हुआ है वहां का उसके थ्रू, और बेसिकली एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। देखो, एक आपने नाम सुना होगा, मैंने अभी आपको बताया था 2 या 3 दिन पहले जब न्यूज़पेपर में सावित्री बाई फुले के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, जो बिलोंग करती थी महाराष्ट्र से ही और उनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली इन सब चीजों के अगेंस्ट में आज से इतने साल पहले, ठीक है, उन्होंने इन चीजों के अगेंस्ट में एक रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि बेसिकली
जो आपके रिफॉर्मिस्ट थे लाइक महात्मा फुले हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, जिन्होंने इन इवल प्रैक्टिसेस को अंत करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किया था, वहां पर ऐसी चीजें कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली उनका भी रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है, सावित्रीबाई फुले का दे सकते हो, ज्योतिबा फुले का आप दे सकते हो, और बाबा साहब अम्बेडकर का, और भी काफी सारे रिफॉर्मिस्ट आपको महाराष्ट्र से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट न्यूज थी बेसिकली आपकी एवियन फ्लू जो आपका चल रहा है। ठीक है, इससे बेसिकली अभी तक हमारा कोविड 19 खत्म नहीं हुआ। ठीक है, कोविड 19 के इतने सारे स्ट्रेन आ चुके हैं। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वापस से लॉकडाउन हो चुके हैं। ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी विजिट कैंसिल हो चुकी है, और बेसिकली अब दूसरा एवियन फ्लू भी बेसिकली लगातार काफी सारे स्टेट्स में अपने पैर पसार रहा है। बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर इसके कुछ केस रिपोर्ट किए गए, हिमाचल में चल ही रहा था पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में देखने को मिला था, केरला के अंदर देखने को मिला था। तो बेसिकली मास कलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, सुखना लेक का अगर आपने नाम सुना हो, सुखना लेक काफी फेमस है, चंडीगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बेसिकली सुखना लेक है, चंडीगढ़ की लेक है, काफी फेमस है, और बेसिकली बर्ड्स वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं उस रीजन के अंदर। तो बेसिकली इसकी वजह से भी अब देखते हैं कितने स्टेट्स के अंदर ये स्प्रेड होता है, लेकिन मास कलिंग यहां पर की जा रही है। आप देखोगे अगर कोई सिक बर्ड भी पाया जाता है उसको फटाफट से किल किया जा रहा है, आसपास के रीजन में जो भी इन्फेक्टेड रीजन है, आसपास के रीजन में जितने भी बर्ड्स है उनकी कलिंग की जा रही है ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। अदरवाइज जो आपका H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है काफी ज्यादा कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब जिसका संक्रमण काफी तेजी से फैलता है, एक बार संक्रमण अगर आउटरेज होता है तो रोकना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बेसिकली एक आर्टिकल था इंडिया की मैरिटाइम डोमेन को अवेयरनेस को लेकर। ठीक है, जिस पर मैंने आपको बोला था कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा, मैंने बोला था कि एक बेसिकली एक फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिनका नाम था टी महान साहब। ठीक है, उन्होंने बेसिकली एक चीज बोली थी, वन वो कंट्रोल द सीज विल कंट्रोल द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट था, वन वो विल कंट्रोल द सीज विल कंट्रोल द वर्ल्ड। ठीक है, वन वो विल कंट्रोल द सीज विल कंट्रोल द वर्ल्ड। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल सही है। ठीक है, विल कंट्रोल द वर्ल्ड, अगर आपको पूरे वर्ल्ड पर हेजेमनी एस्टेब्लिश करनी है तो बेसिकली आपको सीज पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना होगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखते हैं चाइना की असर्टिवनेस या चाइना का एक्सपेंशनिज्म या चाइना की विस्तारवादी नीतियां, चाहे साउथ चाइना सी को लेकर हो चाहे इंडो पैसिफिक को लेकर। तो आप देख सकते हो ये आर्टिकल भी चाइना पर तो आना ही आना है, क्योंकि जब ये चीज बोली गई है मैरिटाइम डोमेन को लेकर चाइना का एग्जांपल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी आप आर्टिकल पढ़ लेना आपको चीज मिलेगी मिलेगी। तो आप देखोगे बियॉन्ड मॉनिटरिंग चाइनीज एक्टिविटी इन द इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियाज इनिशिएटिव कुड हेल्प जनरेट इंट्रा रीजनल सिनर्जी। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें चाइनीज एक्टिविटी पर तो बेसिकली मॉनिटर करना ही पड़ेगा, फिर बेसिकली भारत के इनिशिएटिव के बारे में अपन बाद में सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर अलग अलग चीजें बताई गई है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नेचर ऑफ द एनिमी एट द सी। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि जो आज आप देखोगे जो समुद्री पायरेसी का नाम आपने सुना होगा, मैरिटाइम पायरेसी का नाम आपने सुना होगा, सी रोबरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो किस तरह से हमारी मैरिटाइम बॉर्डर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेबरहुड को बेसिकली किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, जो हमारे इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सेसेल्स हो गया, क्योंकि ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इनके साथ कोऑपरेशन हमें बनानी ही पड़ेगी अगर हमें इस रीजन में डोमिनेट करना है या कंट्रोल करना है। क्वाड का एग्जाम्पल फिर इन्होंने यहां पर दे दिया इंडो पैसिफिक को लेकर, यह एग्जाम्पल आपका आना ही था। ठीक है, फ्रेंच कनेक्शन, क्योंकि बेसिकली फ्रेंच नेवी काफी स्ट्रॉन्ग नेवी हुआ करती थी, उससे भारत का कनेक्शन इन्होंने यहां पर एस्टेब्लिश किया। चाइना का जो पूरा का पूरा था, चाइना का जो मैरिटाइम को लेकर उसका पूरा का पूरा एस्टेब्लिश किया। तो इसके अंदर बेसिकली यही सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, कि भारत की मैरिटाइम डोमेन में अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, मैरिटाइम नेबर्स के साथ हमारी सिनर्जी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसको अलग अलग तरीके से, इसको स्पेस से भी जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे जो सारे के सारे सिस्टम है, चाहे सैटेलाइट को लेकर हो, चाहे रडार स्टेशन हो, ठीक है, इसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें, जैसे कि हमारा सागर इनिशिएटिव है, इसको भी यहां पर लिंक किया गया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, यहां पर कुछ लोगों ने पूछ, गोरे होने की क्रीम को भी बैन करना चाहिए, डेफिनेटली ये बिल्कुल बैन करना चाहिए इस चीज को, तो ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला है। ठीक है,
तो यहां तक आपको सारी की सारी चीजें ये समझ आ रही होगी कि बेसिकली भारत किस प्रकार से इस रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो टर्म्स आपको बोल रहे हैं टर्म्स ध्यान रखनी है कि समुद्री सुरक्षा को या बेसिकली एक भारत सुरक्षा प्रदाता के रूप में ठीक है किस प्रकार से इस क्षेत्र में उभर सकता है, तो उसको लेकर सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब तो आर्टिकल का कोर्स आपको समझ आ जाना चाहिए, जब भी कोई आर्टिकल आप देखते हो ठीक है डेली अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। बस यहां से मुझे एग्जांपल्स निकालने हैं ठीक है, ताकि बेसिकली उन एग्जांपल्स का मैं यूज कर सकूं, मेरे पास एम्पल ऑफ एग्जांपल्स हो ताकि मेरे आंसर्स के अंदर मैं हर चीज को एक आर्गुमेंट के थ्रू वहां पर पुट अप कर सकूं। और जिस दिन आप ये सारे आर्गुमेंट्स देना सीख जाओगे आपके आंसर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे ठीक है। तो ये आर्टिकल था आपका ठीक है, एवियन फ्लू वाला अपन ने देख लिया ठीक है। यस ये वाला तो सबसे बड़ा आर्टिकल था। तो अब देखो चाइनीज सस्पिशन आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। आप देखो WHO की जो टीम थी, जब WHO की एक्सपर्ट्स की टीम थी, ये बेसिकली चाइना जाना चाहती थी स्पेशली वुहान सिटी के अंदर या जहां जहां भी चाइना में बेसिकली COVID-19 के केसेस देखने को मिले थे, उस चीज को स्टडी करने के लिए कि जहां से ओरिजिन हुआ था कोरोना वायरस के लिए। बट चाइना ने इनको अंदर एंटर नहीं करने दिया। सोचो कि बेसिकली वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ बॉडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट टीम कोई कंट्री की होती तो बात समझ में आती है, चाहे भारत की जाए या बेसिकली किसी दूसरी की कंट्री की जाए तो चाइना बैन करता है, समझ आता है। आप सोचो WHO एक्सपर्ट्स की टीम को चाइना ने अपनी कंट्री के अंदर घुसने से मना कर दिया ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह स्टेटमेंट दिया है कि इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट चाइना हैड नॉट अलाउड अ टीम ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स to go ahead with a visit to study the origins of COVID-19 ठीक है। वो बेसिकली इस चीज की स्टडी करना चाहते थे कि COVID-19 का origins कहां से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और चाइना ने उनको अंदर आने से मना कर दिया। इसका मतलब क्या है कि और भी ज्यादा सस्पिशन यहां पर जनरेट हो रहे हैं। जिस प्रकार से चाइना ने पूरे के पूरे साल के अंदर, जो पूरा का पूरा ग्लोबल पैंडेमिक ईयर रहा, उसमें अपने सारे के सारे नेबर्स को, चाहे मैरिटाइम नेबर्स हो चाहे बेसिकली लैंड वाले नेबर्स हो, सबको इतना परेशान किया है ठीक है। और बेसिकली अपनी असर्टिवनेस, जहां पर आप बोलते हो कि ह्यूमैनिटी तो कहीं आपको वर्ड देखने को ही नहीं मिला ठीक है, वहां पर सबसे पहले वायरस था, सबसे पहले वहां से वो निकले ठीक है। कैसे निकले, क्या निकले, डेटा कुछ भी नहीं है हमारे पास। जब WHO को एंटर नहीं करने दिया तो अदर कंट्री को तो कहां से क्या एक्सेस मिलेगा। तो आप देख सकते हो चाइनाज डिसीजन टू नॉट टू परमिट द ट्रिप अपीयर टू बी कम एट द लास्ट मिनट एंड केस द WHO बाय सरप्राइज। WHO भी अभी तक इस सरप्राइज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और WHO के डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है टेड्रोस अभनोम ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये चीज ट्वीट करके बोली कि काफी डिसअपॉइंटेड है ठीक है WHO की प्रायोरिटीज को लेकर। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ठीक है। आस्था ने पूछा है सर 150 से 200 वर्ड में क्या क्या लिखे, एग्जाम्पल बहुत है, फ्रेमिंग नहीं हो पाती। फ्रेमिंग भी आपकी होगी, डेफिनेटली फ्रेमिंग भी होगी ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे, फ्रेमिंग डेफिनेटली होगी, उसको भी अपन करेंगे कि आपको फ्रेम कहां से करना है, क्योंकि हर आंसर की अलग अलग फ्रेमिंग होगी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फ्रेमिंग होगी। स्टार्ट कहां से किया जा सकता है, बीच का कंटेंट क्या होगा, वो अलग अलग अपन देखेंगे ठीक है, उसको भी अपन लेंगे। बट आप अभी इससे सारी चीज को रिलेट कर लीजिए, डेफिनेटली फ्रेमिंग करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, फ्रेमिंग आप लोगों की मैं करवा दूंगा। तो ये न्यूज थी बेसिकली WHO एक्सपर्ट को, तो चाइना पर और सस्पिशन यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट वाला, जो लव जिहाद पे नोटिस इश्यू किए गए। उसके बाद बेसिकली ये एक और जो कॉरिडोर के बारे में मैं बात कर रहा था, ये राजस्थान के अंदर है ठीक है। आप देखोगे जो मदर रेवाड़ी स्टेशन है ठीक है, जो बेसिकली ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें आप देखोगे जो इसके कुछ ये साइलेंट फीचर्स मैंने आपको बताए, ये आपके एग्जाम में लिखने में काम आ सकते हैं ठीक है। आप देखोगे जो आपका फ्रेट ट्रेन था, स्पीड का मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटी का मैंने आपको बता दिया ठीक है। उसके बाद बेसिकली रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब बेसिकली इजीली ट्रांसफर हो सकता है, लेसर कॉस्ट बता दिया। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप लिख सकते हो कि आपके जो लोकल प्रोडक्ट्स है, आपके जो लोकल प्रोड्यूस है, उनको बेसिकली बिगर मार्केट का एक्सेस मिल सकता है। इसका एग्जांपल आप किसान रेल से भी दे दीजिएगा, क्योंकि किसान रेल के माध्यम से भी किसानों का जो मार्केट दायरा है वो काफी बड़ा हो जाएगा। पहले उनको सिर्फ लोकल मार्केट मिलता था, अगर उनको इजी ट्रांसपोर्टेशन मिलता है तो बड़ा मार्केट मिलेगा और प्रोडक्ट की प्राइस भी काफी अच्छी मिलेगी ठीक है।
दूसरा बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट टू वेरियस इंडस्ट्रियल एरियाज, काफी सारे जो एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी को बेनिफिट मिलेगा। और ये भी एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे कि आपकी एमएसएमई वगैरह हुई, उनको भी इससे काफी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, जितने भी आपके कॉरिडोर है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से राजस्थान वाला जो पार्ट है, किशनगढ़ वाला, ठीक है, जो मार्बल वाला पूरा का पूरा इंडस्ट्री वाला पार्ट है, इसको भी यहाँ से कनेक्टिविटी पूरी कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है, साउंड कम हो गई है। ठीक है, साउंड तो आई थिंक प्रॉपर मिल रही है मेरे, साउंड एक बार साउंड चेक कीजिए, सब लोगों को साउंड प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर, यस, ये एक छोटा सा पहले मुद्दा देखते हैं, ये तो सिंपल सा है। अभी बेसिकली जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब की विजिट हुई थी श्रीलंका के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने मुद्दा उठाया था कि बेसिकली तमिलियंस को लेकर, जो बेसिकली हमारे काफी सारे मुद्दे श्रीलंका के साथ देखने को मिलेंगे, फिशरमैन वाला इश्यू आपको लगातार देखता रहता है, तमिलियंस के राइट्स को लेकर आपको देखने को मिलेगा, तो ये तो लंबा आपका इश्यू चलता हुआ देखने को मिलेगा। एक छोटा सा इश्यू आपको बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन वाला, ये सब लोगों ने नाम सुना होगा और सब लोग इससे बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बेसिकली जब आपका रिजल्ट आता है एग्जाम्स का, ठीक है, जिस भी स्टेट के अंदर आप देखते हो उसमें ये सारी की सारी रेगुलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। कभी बेसिकली हाई कोर्ट्स के अंदर इतने सारे केसेस रिजर्वेशन को लेकर देखने को मिलेंगे, तो छोटा सा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर समझाता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का। सब लोग ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ इन चीजों को क्लेरिफाई किया कि बेसिकली काफी सारे वर्डिक्ट्स थे जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोटास को लेकर थे। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, वर्टिकल कोटा का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जो आपका एससी एसटी और ओबीसी ये वाला जो रिजर्वेशन है ये आपका वर्टिकल कोटा के अंदर है। वर्टिकल कोटा के अंदर का मतलब है बेसिकली आपका टोटल अगर 100 सीट्स है, छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं, अगर आपकी टोटल 100 सीट्स है, 100 सीट के अंदर बेसिकली अगर मैंने आपको बोल दिया कि 50 सीटें जनरल की है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 25 सीटें आपकी एससी की है, ठीक है, 20 सीटें आपकी एसटी की है और बची जो आपकी जितनी भी सीटें होगी वो आपकी ओबीसी की होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, सोचो कि 15 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, कितनी होगी, 35 के बाद बेसिकली आप कर लीजिए यहाँ पर 15 सीटें आपकी ओबीसी की होगी, ठीक है, जितनी भी आप मानोगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी टोटल सीट्स है उसमें से आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है और ओबीसी की कितनी है, तो इसको आपने वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर बांट दिया। अब सोचो कोई एससी वुमन है, ठीक है, एससी की कोई वुमन है, ठीक है, या बेसिकली सोचो कोई दिव्यांग कैटेगरी वाला पर्सन है, ठीक है, या सोचो कि बेसिकली कोई आपका कोई से भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर है, जिसको भी रिजर्वेशन मिल सकता है इन कैटेगरीज के अंदर, तो पहले तो अपन वर्टिकल हेड्स में उसको बांटते हैं, 100 में से कितना हिस्सा जनरल के पास है, कितना एससी के पास है, कितना एसटी के पास है, कितना ओबीसी के पास है, ये जनरल अपन ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हुआ आपका जिसमें बेसिकली आपकी हर कैटेगरी को अलग अलग आपका मिल गया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अपन क्या करते हैं, जो अदर कैटेगरीज आपकी बची हुई है, जो अदर बेनिफिशियरी कैटेगरीज है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे आपकी वुमन हो गया, ट्रांसजेंडर्स हो गए या बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन हो गए, जो भी उसके अंदर आपके आएंगे। अब ध्यान रखना इश्यू क्या उठा था, एक छोटा सा केस बेसिकली आया था, दो बेसिकली यहाँ पर दो लड़कियां थी जिन्होंने फाइल किया था, सोनम और रीता, ठीक है, दो लड़कियों का एक केस था जिसमें आप देखोगे कि बेसिकली अगर कोई लड़की, ठीक है, जो बेसिकली एससी वुमन कैटेगरी के अंदर है या बेसिकली ओबीसी वुमन कैटेगरी के अंदर है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि बेसिकली दो लड़कियां थी, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बताता हूं कि सोनम थी एक रीता थी, ठीक है, सोनम के मार्क्स थे 276 और रीता के मार्क्स थे 233, ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया था, एक ने ओबीसी फीमेल से अप्लाई किया था, एक ने एससी फीमेल से अप्लाई किया था, एक किसमें थी, ओबीसी के अंदर फीमेल कैटेगरी में थी और बेसिकली दूसरी थी आपकी एससी के अंदर फीमेल कैटेगरी के अंदर। अब देखना यहाँ पर डबल रिजर्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि फीमेल कैटेगरी का है और एससी कैटेगरी का है, तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठा कि दोनों की दोनों कैंडिडेट अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन आप देखोगे जो जनरल फीमेल की कट ऑफ गई थी वो बेसिकली इनसे कम थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग कि बेसिकली एससी फीमेल कैटेगरी से और बेसिकली ओबीसी फीमेल कैटेगरी से न सोनम क्वालिफाई कर पाई न रीता क्वालिफाई कर पाई, जबकि जनरल फीमेल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ थी वो थी 274, ठीक है, एससी फीमेल की थी आपकी 233 और ओबीसी फीमेल की थी आपकी 276, जबकि जनरल फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी जनरल फीमेल की 274।
अब आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि इनको जनरल में क्यों कंसिडर नहीं किया गया। अगर ये अपनी ओबीसी फीमेल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाई तो जनरल फीमेल कैटेगरी में इनको क्यों कंसिडर नहीं किया गया। तो आप देखोगे यहाँ पर काफी सारी गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि बेसिकली हम उनको रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर ही रिजर्वेशन देंगे। अगर उन्होंने ओबीसी फीमेल से अप्लाई किया है तो अब उनको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो ओबीसी फीमेल में ही मिलेगा, उनको जनरल फीमेल में हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ रहा है आप सब लोगों को कि बेसिकली ये जो केस आया था जहां पर ये केसेस बेसिकली आपको जनरली देखने को मिलेंगे, स्टेट पीसीएस में ऐसे केस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें होता क्या है, अगर सोचो मैं ओबीसी फीमेल से अप्लाई किया है और आपको ओबीसी फीमेल की वैकेंसीज के लिए कंसिडर किया जाएगा तो कई बार आप देखोगे जनरल से ज्यादा कट ऑफ ओबीसी की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओबीसी फीमेल को तीन रिजर्वेशन यहाँ पर हो जाएंगे। एक बार ओबीसी का जा रहा है, ओबीसी के अंदर फीमेल है और बेसिकली जनरल तो ओपन है, जनरल तो सबके लिए ओपन है। तो कई सारी गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट करती है कि बेसिकली हम उनको उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर करेंगे, उसकी सीट्स के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा, ठीक है, उनको जनरल फीमेल कैटेगरी में हम कंसिडरेशन नहीं देंगे। तो इसको लेकर बेसिकली कोर्ट के अंदर मुद्दा उठा था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या देखने को मिला था आपको बता देता हूं, ठीक है। ये वाला जो केस था जिसमें क्वेश्चन आया था कि बेसिकली जो आपकी कैटेगरी है जिसमें आप सिलेक्शन कर रहे हो, जिसमें जनरल फीमेल कोटा को देने की बजाय आप उसको सिर्फ ओबीसी फीमेल कैटेगरी में रख रहे हो, जिस उसका स्कोर भी ज्यादा है, ठीक है, जनरल फीमेल क्वालिफाइज उसका स्कोर ज्यादा है। तो कोर्ट ने यहां पर बोला था कि कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट होल्डिंग दैट इफ ए पर्सन बिलोंग टू एन इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी। मतलब बेसिकली एक अगर ऐसा रिजर्वेशन आ रहा है जहां पर उसको वर्टिकल भी मिल रहा है हॉरिजॉन्टल भी मिल रहा है, जैसे कि ओबीसी वुमन, ओबीसी वुमन को दोनों कैटेगरी में आ रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन आपका वर्टिकल में है और बेसिकली आपका वुमन रिजर्वेशन आपका हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन पर आपको देखने को मिल रहा है। वर्टिकल तो आपको समझ आ गया, वर्टिकल में कुछ नहीं है, 100 वैकेंसी है तो आपने सबको बांट दिया, ओबीसी की इतनी हो गई, एससी कितनी हो गई, एसटी कितनी हो गई, जनरल कितनी हो गई, दैट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सिमिलर लेवल्स के हैं, जैसे कि आपका वुमन को दे रहे हो, आप दिव्यांग को दे रहे हो, या बेसिकली आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को दे रहे हो, सब हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। तो कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट बोलती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वर्डिक्ट दिया था कि यदि कोई भी पर्सन जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के इंटरसेक्शन पर आपको देखने को मिल रहा है और उसका स्कोर हाई है, किससे, बेसिकली उसका स्कोर अगर हाई है जनरल कैटेगरी से, ठीक है, विदाउट द वर्टिकल रिजर्वेशन, तो पर्सन शुड बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग विदाउट द वर्टिकल रिजर्वेशन एंड कैनॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कोटा इन द जनरल कैटेगरी। मतलब सिंपल सी चीज उन्होंने बोली कि अगर जनरल से ज्यादा कट ऑफ है तो आपको बेसिकली उस कैटेगरी में यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये जनरल स्टूडेंट के लिए काफी नुकसान है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जनरल स्टूडेंट की सीट्स तो अगर फिक्स कर दी जाए तो काफी अच्छा है, अगर अलग अलग बांट ही दिया जाए तो काफी अच्छा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर अभी तक कोर्ट का जो डिसीजन है वो डिसीजन आपको देखने को मिलेगा कि अगर ऐसा कोई केस आता है आप लोगों का तो बेसिकली आपको यहाँ पर सिंगल पर जाना है, विदाउट द वर्टिकल रिजर्वेशन आप जाइए और बेसिकली पर्सन को काउंट कीजिए विदाउट द वर्टिकल रिजर्वेशन में और बेसिकली उसको एक्सक्लूड कर दीजिए उस कैटेगरी से और जनरल में उसको वहां पर काउंट कर लीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आस्था ने पूछा है यूपीएससी में ओबीसी का जनरल से ज्यादा कट ऑफ आता है, ठीक है, ये इसीलिए आता है जब पर्टिकुलर उसी कैटेगरी से कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 50 सीटें आपकी जनरल की है, ठीक है, 30 सीटें आपकी ओबीसी की है, ठीक है, बची जो आपकी 10-10 सीटें आप मान लीजिए कि आपकी एससी एसटी की है, ठीक है, ये एससी की है, ये एसटी की है। अब सोचो अगर आपकी जो पर्टिकुलर यूपीएससी पर्टिकुलर उसी कैटेगरी में आपको कंसिडर करती है तो 50 का बेसिकली उसको अगर 3 गुना लेना है, 5 गुना लेना है तो इसका 50 का 3 गुना और 150 को ले लेगी, इसका 3 गुना और 90 को ले लेगी, इसका 3 गुना और 30 को ले लेगी और इसका 3 गुना 30 को ले लेगी। तो बेसिकली होता है कि अगर रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जाते हैं तो बेसिकली फिर कट ऑफ आपकी ओबीसी की हायर देखने को मिल जाती है इनिशियल लेवल्स पर, फाइनल लेवल पर तो जाकर बैलेंस हो जाता है बट इनिशियल लेवल पर वो हायर देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर जो कैंडिडेट्स लिए जाते हैं वो ज्यादा लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट है रिजर्वेशन को लेकर बट कम से कम इतना क्लियर होना चाहिए, वर्टिकल का मतलब आप टोटल को बांट दीजिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इस चीज को अपन और भी थोड़ा सा मैथमेटिकल में आप लोगों को समझा दूंगा,
ठीक है, तो यहां तक सब लोगों को क्लियर है आज का पार्ट, ठीक है। और सऊदी और कतर को लेकर जो बेसिकली मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, बेसिकली जो बेसिकली यहाँ पर डील साइन हुई है, काफी पीस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कतर को लेकर मैंने आपको बताया था, कतर को जो कतर ईरान के नजदीक माना जाता था और बेसिकली सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में काफी ज्यादा टसल थी, क्योंकि आप देखोगे सऊदी आपका यूएसए का अलाई है, ठीक है, और बेसिकली अगर कतर ईरान के नजदीक जाएगा तो ये इसका अपोजिट एनिमी माना जाएगा। बट धीरे धीरे पूरा का पूरा जो अरब जगत है या पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है, इसमें डील्स के माध्यम से स्टेबलाइजेशन का प्रयास किया जा रहा है, तो काफी बड़ा ब्रेक थ्रू है एंड बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट चीज है सारी की सारी चीजें। इस पर कल भी मैंने डिस्कशन किया था, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूं क्या क्या आज हमने सीखा है, ठीक है। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी यहां पर आज, ठीक है, हाँ, सोलापुर के पॉमग्रेंट से या सोलापुर के अनार से, जिसको बेसिकली जीआई मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, ठीक है। सोलापुर के अंदर अनार की अलग अलग वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे गणेश, भगवा, ये सब सोलापुर अनार की वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और बेसिकली जीआई टैग, भारत में जीआई का एक्ट बना हुआ है अलग से, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया हुआ, इसका लोगो अभी लेटेस्ट में आया था और इसकी टैगलाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि एंड वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। दूसरी चीज अपन ने देखी थी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, काफी सारी स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी, अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वहां के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी गुरु नानक साहब की 550वें प्रकाश पर्व पर गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं, हेरिटेज सिटी के रूप में सुल्तानपुर लोधी को डेवलप किया जा रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने गुरु नानक बाणी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज की है, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली फ्रेट कॉरिडोर को लेकर मैंने आपको बताया था, जो बेसिकली गुजरात के पोर्ट्स से वेस्टर्न जो कॉरिडोर के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि आपका दाहेज हो गया, मुंद्रा हो गया, कांडला हो गया, पीपावाव हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कनेक्टिविटी का काम यहां पर चल रहा है किसान रेल के माध्यम से, भारतमाला, सागरमाला के माध्यम से, मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे। उसके अलावा दो एग्जांपल दिए थे आपका बेसिकली नेचुरल गैस को लेकर और इथेनॉल को लेकर, शेयर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वन नेशन वन गैस ग्रिड का एग्जांपल दिया था, गैस बेस्ड इकोनॉमी, ईज ऑफ लिविंग से यहां पर मैंने कनेक्ट किया था, ये आंसर राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी या मैरिटाइम इकोनॉमी को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके तटीय वाले राज्य कर्नाटका, केरला या अदर सदर्न स्टेट्स आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर का एग्जांपल दिया था, जिसका इनॉग्रेशन नवंबर 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो बेसिकली दोनों गुरुद्वारों को कनेक्ट करेगा और बेसिकली ये जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब वाला गुरुद्वारा है, जहां पर बेसिकली उन्होंने अपने जीवन के आई थिंक 19 ईयर्स उन्होंने वहां पर व्यतीत किए थे, जो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, रावी नदी पर यह कॉरिडोर बना हुआ है, भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और पीपल टू पीपल टाइज को कनेक्ट करेगा। लंगर में बेसिकली जितने आइटम्स यूज करते हैं उनको जीएसटी फ्री किया गया था, क्योंकि बेसिकली लगभग 1 करोड़ लोगों को डेली इसके माध्यम से खाना मिलता है, ठीक है, एफसीआरए वाला नहीं करना भी अपन को। इसके अलावा उत्तराखंड और यूपी के जो लॉज थे एंटी कन्वर्जन वाले या लव जिहाद वाले या इंटरफेथ मैरिजेज वाले, उनको क्वेश्चन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेसिकली पूरा का पूरा स्टडी करेगा, संवैधानिकता की जांच करेगा कि क्या क्या मामले यहां पर देखने को मिल रहे। यूपी के लॉ के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल 21, 19, 25 क्वेश्चन मार्क आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर बॉम्बे की औरंगाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि बेसिकली भगवान के नाम से सुपरनेचुरल पावर्स के नाम से जो एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं वो इलीगल है, ठीक है, उनको बेसिकली यहां पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए एग्जांपल भी मैंने आपको बताए थे, एवियन फ्लू का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, धीरे धीरे काफी सारे स्टेट्स के अंदर इसका स्प्रेड देखने को मिल रहा है, मास लेवल पर कलिंग की जा रही है, इनको मारा जा रहा है, ठीक है। इंडिया की मैरिटाइम डोमेन को लेकर मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था, नेबरहुड का एग्जांपल दिया था, किस टाइप से जो आपके आइलैंड है स्पेशली आपके इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उनको कनेक्टिविटी या सिनर्जी यहां पर क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, फ्रेंच कनेक्शन बताया था मैंने, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि WHO के एक्सपर्ट जो चाइना के अंदर जाकर ये स्टडी करना चाहते थे कि आपका COVID-19 वायरस आया कैसे, चाइना ने उनको बेसिकली चाइना में एंट्री देने से मना कर दिया है, जो WHO के लिए काफी बड़ा झटका है। पूरे WHO को अगर एंटर नहीं करने दिया जाता तो बेसिकली अदर को तो क्वेश्चन ही यहाँ पर नहीं उठता, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और भी मैंने आपको दिए थे MSME को लेकर, लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर, ठीक है। जयशंकर साहब की जो बेसिकली लंका के अंदर विजिट हुई थी, उन्होंने बेसिकली तमिलियंस के जो होप्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर श्रीलंकन गवर्नमेंट से गुजारिश की है, ठीक है। वो और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बताया था, वर्टिकल मतलब 100 में से कितना पार्ट एससी को जाएगा, एसटी को जाएगा, ओबीसी को जाएगा या जनरल को जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वुमन को हो गया, चाहे डिसेबल्ड या अदर कैटेगरीज को, तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन उठता है दोनों के इंटरसेक्शन पर। यदि कोई एससी वुमन है, एसटी वुमन है या बेसिकली एससी से दिव्यांग कैटेगरी के अंदर है, तो बेसिकली इस इंटरसेक्शन वाले को कैसे बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे आ जाते हैं, कई सारी गवर्नमेंट उनको उन्हीं की कैटेगरी में बेनिफिट देती है, तो बेसिकली ओबीसी की कट ऑफ हायर चली जाती है, जनरल की लोअर चली जाती है, उसको लेकर यहां पर क्वेश्चन मार्क खड़े किए गए थे, ठीक है। सऊदी और कतर की बेसिकली लगभग इतने टाइम के बाद वापस से
जो टाइज है वो स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। तो देखते हैं बेसिकली इसका क्या ब्रेक थ्रू यहाँ पर निकलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन ऑफ न्यूज़पेपर। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। रात को वापस से 8:45 PM पर आप लोगों की क्लास होगी, वहां पर बेसिकली पॉलिटी का अपन डिस्कशन करेंगे विद MCQ, सारी की सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। दिस इज माई रेफरल कोड जिसको आप यूज कर सकते हो अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। आई थिंक सबको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। प्रतीका नमस्ते, बट आप काफी लेट हो चुके हैं, ठीक है। यूपीएससी में जनरल वालों की सीट ज्यादा होती है। देखो यूपीएससी के अंदर जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो स्टेट में तो काफी अलग अलग चलता है, यूपीएससी के अंदर फिर भी काफी सही क्राइटेरिया है जो जनरल और ओबीसी, ठीक है, उनमें प्रीलिम्स में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट 1 or 2 marks का देखने को मिलेगा वेरिएशन। बट हाँ, फाइनल लेवल पर जाते जाते, ठीक है, 30 से 35 नंबर का जनरल और ओबीसी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, SC ST में थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इस बार तो EWS में भी ओबीसी के बराबर ही उन्होंने सेट किया है, ठीक है। तो बेसिकली यूपीएससी का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा ताकि कोर्ट के माध्यम से उसको बचाया जा सके, अदरवाइज कोर्ट में इतने सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। शाम का टॉपिक होगा आज, हम बेसिकली COM को खत्म करके स्टेट लेजिस्लेचर पर मूव करेंगे, ये शाम का टॉपिक होगा, स्टेट लेजिस्लेचर और COM वाला पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सब 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 लोगों को